में दर्शन भी कर लिए हैं और अभी जा रहे हैं भारत की तरफ। तो अभी कुछ नाश्ता खाते हैं क्योंकि हम कुछ नहीं खा के आए थे सुबह, तो अभी थोड़ा बहुत नाश्ता खाते हैं फिर चलते हैं यहाँ से। कैसा है इडली? बहुत अच्छा है। हाँ मैं खाऊंगी आलू, आलू की सब्जी और पूरी। और दीदी और जीजा लोग खा रहे हैं इडली। तो मेरे को इडली पसंद नहीं है तो मैं आलू पूरी खा रही हूँ। ये खानी नहीं बड़ा। अच्छा ठीक है। तो हम घर आ गए हैं और थोड़ा बहुत ही मार्केट घूमे और धूप इतना ज्यादा हो गया, गर्मी होगी। हम दोनों तो फिर भी घूम लेते पर हमारे जीजा जी उनको बहुत गर्मी लगती तो वो नाराज हो गए, तो इसलिए फिर हम आ गए बिगर मार्केट घूमे। तो अभी धूप भी काफ़ी हो रही है तो घर भी पहुंच गए हम। तो चलिए फिर बाद में मिलती हूँ। तो देखिए यहाँ पर रेडी हो गया सामान और दीदी और जीजा लोग जा रहे हैं। तो कैसा लगा बम्बई को? बाय बाय, हम जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, इतने दिन रात टाइम पास किया, पता नहीं लगा। एक हफ्ता पता नहीं चला। हाँ एक हफ्ता पता नहीं लगा। अब जा रहे हैं, जा रहे हैं फिर अगले साल आएंगे तब। जो हम दो तीन जगह हमारी छूट गई है तो अगले साल जाएंगे तब घूमेंगे ना। तब घूमेंगे छोड़ेंगे। हाँ। जो मैंने कम रखा वो पूरा नहीं हो पाया। चलो अगले साल सही, अगले साल हो जाएगा। खैर सबा खैर, बाय बाय कर, बाय बाय। तो अब हम निकल रहे हैं और दीदी भी इधर तैयार हो रही है। तो ये शॉट हजर को है ना रहा? तो जीजा जी का एक कमीज छूट रहा था, ये कमीज मालूम है। तो चलिए दीदी कैसा लगा बॉम्बे का टूर? बॉम्बे का टूर तो बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मस्त वाला। हाँ घुमाया फिराया सिस्टर ने। नहीं नहीं घुमाया, बहुत अच्छा लगा। तो एक हफ्ता और रुकने का मन था। हाँ हमने सोचा था अगर एक हफ्ते का और होता तो गोवा भी जाते घूमने के लिए। दीदी टागुआ खाइयो, मजा आया। फुट्टो खाइयो। क्या खाया बंदू को? क्या खाया? टागुआ फुट्टो धेरे खाइयो, मजा आया। हाँ तो मतलब ये बोल रहे हैं कि बकरे का सिर और पैर बहुत खाया तो मजा आया। और तो चलिए अब हम निकलते हैं, मैं छोड़ने जा रही हूँ दीदी और जीजा को वहाँ पर स्टेशन में। और ये तो ड्यूटी जा रखे, इनका छुट्टी नहीं है। तो अभी चलते हैं फटाफट क्योंकि अभी 11 बजे का ट्रेन है। तो अभी मैं इनको छोड़ के फिर मेरे को वापस भी आना है। तो चलिए चलते हैं। तो मैंने काम भी ख़त्म कर लिया है और उसके बाद मैं नहा भी लिया और नहाने के बाद मैं बनाने जा रही हूँ खाना। और आज मोमो खाने का मन हो रहा है तो मैं सोच रही हूँ आज अंडे का मोमो बनाती हूँ। तो फटाफट
मैंने बर्तन धोए थे उसको मैं रख रही हूँ, और उसके बाद मैं अंडे का मोमो बनाऊँगी। ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, थोड़ा सा बनाऊँगी, क्योंकि ये तो खाएंगे नहीं और आकाश भी एक दो ही खाएगा। तो चाय भी बन गई है और चाय के साथ साथ मैं प्याज भी काटूँगी और साथ में मैदा भी गूँधूँगी और फटाफट बनाती हूँ मोमो। और जैसे दीदी लोग भी आए थे तो उस टाइम भी मैंने मतलब अंडे के मोमो बनाया था, तो काफ़ी पसंद आया था दीदी और जीजा को। तो आज फिर मेरा खाने का मन हो रहा था तो मैंने कहा चलो बनाती हूँ। तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ क्या खाऊँ, तो मैंने कहा चलो आज अंडे का मोमो बनाती हूँ। तो और हाँ, काफ़ी मेरे को मैसेज भी आते हैं कि आप डेली ब्लॉगिंग क्यों नहीं करते, आप डेली ब्लॉगिंग करो और वीडियो क्यों इतना लेट मतलब डालते हो, बनाते नहीं, ऐसे ऐसे करके काफ़ी मेरे को मैसेज आते हैं। तो ऐसा नहीं है मैं डेली ब्लॉगिंग कर सकती हूँ, पर मेरे को ऐसा लगता है कि डेली वही खाने का क्या दिखाऊँ, तो इस वजह से मैं नहीं बनाती। और फिर घर पे भी जैसे मैं अकेली रहती हूँ, ये भी ड्यूटी में रहते हैं और आकाश भी ज़्यादातर जैसे सुबह जाता है तो शाम को आता है, तो इस वजह से मैं ब्लॉगिंग मतलब डेली नहीं करती हूँ। जैसे हम सारे साथ में रहते हैं तब ज़्यादातर मैं वीडियो फटाफट बनाती हूँ, और अकेले का मेरे को लगता है कि क्या बनाऊँ, तो इस वजह से मैं नहीं बनाती हूँ। पर अब मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वीडियो बनाऊँ। तो देखिए मोमो भी बन गया है, तो बस वैसे मेरे को बहुत आलस आता है, पर ऐसा है कि चलो आज खाने का मन हो रहा था तो मैं बना रही हूँ। वैसे वर्षा और मेघा बनाते हैं, तो देखिए मोमो भी रेडी हो गया है और अब खाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो मैं ये पेंडिंग करती हूँ, तो अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय।